गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं पोयम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो रहस्यमय बिल्ली है उसकी कहानी है मैकेविटी। देखिए, डू यू हैव अ पैट कैट? क्या एक आपके पालतू बिल्ली है आपके पास? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या तुमने कभी इसमें कुछ रहस्यमय चीज़ के बारे में ध्यान दिया? इट इज़ नॉट ईजी टू से, ये कहना आज़ाद नहीं है, वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, कि हर कोई कैट जो है बिल्ली वो रहस्यमय होती है। बट मैकेविटी इज़ वन, लेकिन मैकेविटी है एक फॉर श्योर, निश्चित तौर पर। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या है जो कि उसको रहस्यमय बिल्ली बनाती है? रीड द पोयम एंड फाइंड आउट, कविता को पढ़ो और जानो। देखिए, मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉयम। मैकेविटी जो है वो एक रहस्यमय बिल्ली है और ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉयम, कि उसके लिए माना जाता है कि उसके छुपे हुए पंजे हैं। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, और वो जो अपराधी है उसमें मास्टर है अपराध के अंदर, और नियमों को उड़ा सकती है, तोड़ सकती है। ही इज़ बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड ऑफ डिस्पेयर। वो स्कॉटलैंड का जो चौक है वहाँ पे वो उसके नियमों को तोड़ती है और उड़ती है और निराशा फैलाती है। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो अपराध के जगह पे पहुंचते हैं, मैकेविटी नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पे कभी नहीं मिलती। मतलब एक स्कॉटलैंड में मतलब बना देती है, अपराध कर देती है और गायब हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी वहाँ पे मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर मानवता का नियम तोड़ दिया। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने ग्रेविटी का जो है गुरुत्व का वो भी नियम तोड़ दिया। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फैकस शेयर, और उसकी जो शक्तियां हैं वो उसे और भी ज़्यादा स्टेयर ताकतवर बना रही हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नॉट देयर, और जब भी आप अपराध के जगह पे पहुंचते हो तो वहाँ मैकेविटी नहीं मिलते। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे जमीन के नीचे यानी बेसमेंट में ढूंढते हो या आप हवा में देखते हो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन मैंने आपसे एक बार कहा और बार बार कह रहा हूँ कि मैकेविटी वहाँ पे नहीं है। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, एक जिंजर कैट है ये बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड टिन, बहुत लंबी और पतली। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, तुम उसे जानते हो, जान जाओगे अगर तुम उसे देखोगे। फोर हिज आईज आर शंकर इन, क्योंकि उसकी आँखें अंदर मतलब सिकड़ी हुई होती हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थाट, उसकी जो भौहें हैं वो विचारों में गहरी लाइनों से भरी हुई हैं। हिज हैड इज़ हाईली डॉम्ड, और उसका सर जो है वो गुंबद की तरह ऊंचा है। ये है बिल्ली का कैरेक्टर बताया। आपको पता है ना, बिल्ली दूध पी जाती है कहीं भी चौक में और फिर वहाँ से गायब हो जाती है और सब उसको ढूंढते रह जाते हैं कि कहाँ पे है, क्योंकि वो तुरंत उस जगह थोड़ी मिलती है। तो ये एक कहानी है मिस्ट्री कैट की, और इसके आपको वर्ड मीनिंग करने हैं। क्वेश्चन आंसर मैं कल PDF में सेंड कर दूँगी।